विल कंटिन्यू विद द केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। देखो क्या होता है, फर्स्ट केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, या इसको बोल देते हैं हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। फर्स्ट समझते हैं कि एक रिएक्शन को कैसे शो करना है। आपको देखो, सबसे पहले अगर किसी भी रिएक्शन का, किसी भी केमिकल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मेजर करना है, तो आपको सबसे पहले तो एक चीज़ आनी चाहिए, बैलेंस्ड इक्वेशन। अगर आप सिंपल लेते हो इक्वेशन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं निकलेगा। तो मस्ट नीडेड इज बैलेंस्ड इक्वेशन। ऑल दो बोर्ड क्लास के हिसाब से अगर तैयारी की बात कर रहे हैं, चाहे प्लस वन प्लस टू हो, आपको बैलेंस्ड इक्वेशन मिल जाएगी, बहुत जरूरत है। और अगर बैलेंस नहीं भी है तो ऐसी होगी कि आप उसको ईजिली बैलेंस कर सको। तो देखते हैं कैसे यहाँ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज करो आपके पास एक रिएक्शन है, बहुत कॉमन रिएक्शन जो मैं ले रहा हूँ फर्स्ट यूनिट से, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। हाँ भाई, कौन सी रिएक्शन है फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया के लिए? फर्स्ट यूनिट में भी थी, अभी करवाई थी मैंने आपको, लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट में। हाँ, वेरी गुड। N2, देखो अमोनिया बनता है नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गैस से, और ये बन गया आपका अमोनिया NH3, एंड इट इज़ वेरी यूजफुल। एंड ये प्लस टू में भी आएगी रिएक्शन, एक्चुअल में इस रिएक्शन का नाम भी है हैबर प्रोसेस। रखो, अपनी तैयारी करते रहो प्लस टू की भी, हैबर प्रोसेस होती है ये। हमें कोई ये नहीं कि खाली एक टॉपिक करना होता है, तो आपके पास ये है हैबर प्रोसेस, ठीक है। और इसमें क्या होगा, अमोनिया बनेगा, और ये अमोनिया बहुत यूजफुल है। एक्चुअल में ये अमोनिया यूज होता है आपकी यूरिया बनाने में, जो कि एज ए फर्टिलाइजर यूज होता है, ठीक है। दैट्स वाई दिस कंपाउंड इज वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर द स्टडी ऑल्सो। नाउ ये आपके पास बैलेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर N1 है और यहाँ, सॉरी N2 है और यहाँ N1 ही है। आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब इससे क्या हुआ, हाइड्रोजन 3 × 2 6 हो गए, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अब ये रिएक्शन है आपके पास बैलेंस। और अब देखो, अभी जरा ध्यान देना, अभी भी हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं निकाल सकते। क्यों, व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दिस रिएक्शन? कि अगर मान लो मुझे मालूम भी हो कि इस समय इसकी कंसंट्रेशन 5 है, इसकी कंसंट्रेशन 7 है, और इसकी कंसंट्रेशन फॉर एग्जांपल 4 है, बट मैं अभी भी इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं निकाल सकता। कैसे निकालते हैं छोड़ दो वो, बट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो भी फॉर्मूला हो नहीं निकाल सकता। क्या रीजन है उसका? अभी तक हमारी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में नहीं है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में है। तो सुनो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कब निकालेंगे? देखो, जब नाम ही दे दिया गया है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो वो निकलेगा जब आपकी रिएक्शन कब पहुंच जाएगी इक्विलिब्रियम पर। तो जरा ध्यान देना, ये इस कंडीशन में ये है आपका सिंबल इक्विलिब्रियम का, कि जितनी, अब ये 5 ही रहेगा, ये 7 ही रहेगा, और ये 4 ही रहेगा, ये चेंज नहीं होंगे। आप देखो, कांस्टेंट कब निकलता है, जब कोई चीज़ चेंज ना हो रही हो, अगर चेंजिंग कंडीशन में है तो हाउ यू कैन फाइंड द कांस्टेंट? कांस्टेंट का मतलब ही होता है विच डज नॉट चेंज। तो इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहती है, ये कंसंट्रेशन दी हुई है, सपोज कर लो आप, ऑल्दो इतनी हाई कंसंट्रेशन होती नहीं है, बस जस्ट सपोज करने के लिए। अब सुनो, इसका हमें अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल K इज द सिंबल फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है, इसको हम K लिख देते हैं। अब इसको मैं, अगर सुनो, देखो दो बातें होती हैं, मैंने पहले बताया था आपको कि जो रिएक्शन है ना, वो दो ही तरीकों से पॉसिबल है, मीन्स टू मीडियम में। कौन कौन से मीडियम हैं? दो मीडियम, तीसरे मीडियम में रिएक्शन नहीं हो सकती। हाँ, लिक्विड और गैस में ही रिएक्शन पॉसिबल है, सॉलिड फेज में रिएक्शन नहीं होगी। तो देखो, मेरी बात सुनो, अगर तो रिएक्शन हो रही है लिक्विड फेज में, तो आपको दी होगी कंसंट्रेशन, और अगर हो रही है प्रेशर आपकी गैस की फेज में, तो प्रेशर दिया होगा, जो चीज़ दी हो वो यूज करोगे आप। और यहाँ पर शो करोगे, मान लो सी लिखा हुआ है, इसका मतलब आपके पास
रिगार्डिंग द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट क्या दिया हुआ है, कंसंट्रेशन। सी मीन्स रिएक्शन किसमें हो रही है, लिक्विड फेज में। के सी, सी का मतलब है रिएक्शन हो रही है किस फेज में, लिक्विड फेज में, और कंसंट्रेशन दी हुई है। और अगर के पी लिखा होता है तो के पी का मतलब होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट विच आर प्रेजेंट इन गैसियस फेज। अब मान लो निकालना है आपको के सी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट व्हेन द रिएक्शन इज अकरिंग इन द गैस लिक्विड फेज। आप सबसे पहले ऊपर लिखोगे कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट, ये रही NH3, ये है ओनली प्रोडक्ट, यहाँ पर यही है। और उस प्रोडक्ट को उसके कोफिशेंट से उसकी पावर से रेज कर दोगे, मीन्स द प्रोडक्ट और रिएक्टेंट और द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट शुड बी रेज बाय द पावर इक्वल टू द कोफिशेंट, टू कोफिशेंट था, टू से रेज कर दिया, डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो क्या कंसंट्रेशन, एन टू की कंसंट्रेशन लेंगे, रेज बाय इट्स पावर, तो वन है तो नो नीड टू रेज बाय एनी पावर। देन द कंसंट्रेशन ऑफ द एच टू शुड बी रिक्वायर्ड हेयर एंड आई थिंक वी शुड रेज इट विद सम पावर, विच पावर, हाँ इसको हम थ्री पावर से रेज कर देंगे। और जो भी आंसर आएगा वो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा के सी। अब कैसे निकालेंगे देखो, इसी को सिंपल वे में करता हूँ मैं, अगर अप्लाई कर दें, अगर ये कंसंट्रेशन है तो NH3 की कंसंट्रेशन कितनी है आपके पास, 4 रेज बाय पावर 2, क्योंकि 2 इसका कोफिशेंट था। N2 कंसंट्रेशन 5, नो नीड टू रेज बाय एनी पावर बिकॉज ओनली वन कोफिशेंट इज देयर। इनटू, नोट यहाँ कुछ बच्चे प्लस कर देते हैं, गलती है, इनटू जाएगा। H2 कंसंट्रेशन इज 7 एंड रेज बाय पावर 3। और ये जो फाइंड करोगे आप, ये हो जाएगी आपकी केसी या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू। ऐसे ही अगर ये रिएक्शन, देखो आपको इसकी चिंता की जरूरत नहीं करने की हाउ वी कैन फाइंड की रिएक्शन किस में हो रही है, आपको दिया होगा, आपको नहीं वो दिया होगा प्रेशर है या कंसंट्रेशन है। अगर आपको प्रेशर दिया है तो आप के पी निकालोगे। अब व्हाट इज के पी, सेम वही जाएगा सिस्टम, बस अगर ये प्रेशर है, अब अगर दूसरे दिया होगा आपको वहाँ रिएक्शन में, अगर प्रेशर है तो बस आपने यहाँ इसको ऐसे चेंज कर देना था, सब कुछ वही रहेगा। और जो ये वैल्यू आएगी ये किस किसकी आएगी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, वेदर एट अ इन अ लिक्विड फेज और इन अ गैसेस फेज। अगर गैस फेज में है तो ये सब चीज़ें आपको प्रेशर होंगी, अगर लिक्विड फेज में तो चीज़ें कंसंट्रेशन होंगी, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा और सिंपल वे में, जैसे नोट्स में दिया है या बुक में भी दिया होता, देखो नोट्स की बात तो नहीं करूँगा मैं, बुक की बात भी करनी पड़ेगी क्योंकि बुक में फिर आप लोग पढ़ते हो तो लगता है कि बोर्ड पर तो आसान समझाया था और बुक में पता नहीं क्या क्या दिया हुआ है। तो इसको बुक में कैसे शो किया गया है, और वो नोट्स में भी देखो है, यह करना ही पड़ता है वो तो। देखो फॉर एग्जाम्पल कोई रिएक्शन है आपकी ए ए, बी बी, और मैं इसको अभी के अभी यहीं चेंज कर रहा हूँ इक्विलिब्रियम में, ठीक है। सी सी एंड डी डी, अब ये ए बी सी डी क्या है, ये रिएक्टेंट्स हैं और ये उनके कोफिशेंट हैं, इनकी पावर 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकती है, रहेगी मल्टीपल में ही, मतलब सिंपल सिंपल होल मल्टीपल में रहेगी। तो ए बी सी डी, ये जो स्मॉल ए है स्मॉल बी है, ये सब क्या हैं, ये कोफिशियंट्स हैं, दे कैन बी 1, 2, 3, 4, 5, 6 एनीथिंग। तो अब अगर ये कंसंट्रेशंस दी हुई है, मान लो यहाँ पर कंसंट्रेशन दी हुई है, तो आप केसी निकाल लोगे, कैसे निकलेगा केसी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट क्या क्या है यहाँ पर, सी है एंड इट्स कोफिशियंट इज सी, सो यू हैव टू रेज इट विद द सी। Then the concentration of D, and because the coefficient is D, you have to raise it with power D. Then the concentration of A, molar concentration of A, and raised by the power A, and then the molar concentration of B, also raised by power B. ये जो आप find करोगे आपके पास equilibrium constant आ जाएगा। लेकिन इसके लिए सबसे बड़ी बात, आपकी जो reaction है that should be in equilibrium। अगर equilibrium में नहीं है तो आपका equilibrium constant नहीं निकलेगा, ठीक बात हो गई। ये जो छोटी सी बात हुई, इसकी आगे देखो क्या क्या significance हैं। एक चीज तो ये कि ना equilibrium constant की value
किसी भी एक रिएक्शन के लिए हमेशा कांस्टेंट होगी, कभी भी चेंज नहीं हो सकती। ये बात आपको समझ आनी चाहिए। देखो समझना जरूरी है, कहना बड़ा आसान था, आप इसको याद भी कर सकते हो, बट याद करने का तो कोई बेनिफिट है नहीं, हो जाएगा कोई बड़ी बात तो है नहीं। मैंने बोल दिया एक छोटी सी लाइन कि कांस्टेंट है इसलिए हमेशा एक सेम रहेगी, बट कैसे ये जरा समझ लेते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू किसी एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए हमेशा फिक्स रहती है। अब वो कैसे जरा समझते हैं। फॉर एग्जांपल यही रिएक्शन ले लेते हैं, N2 प्लस 3H2 इज इक्वल टू 2NH3, ठीक है। अब देखो मैं जस्ट यहाँ पर सुनो, मान लो एक समय, देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या सिस्टम होता है। अब मान लो यहाँ पर बना है इक्विलिब्रियम, जब ये 5 था और ये 15 था और ये 10 था, ये कंसंट्रेशंस हैं। जब इतने पे हुआ तो इसका बनेगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो कैसे निकाल लेंगे, KC इज इक्वल टू द 10^2 डिवाइड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ n, कितनी है भाई, 5^2, ठीक ठीक है, वेरी गुड। एंड द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन इज 15^3। अब सुनो बात मेरी, जो भी इसका आंसर आएगा वो आप निकालते रहना, उसको यहाँ इतना टाइम लगाएंगे नहीं हम लोग। अब सुनो होना क्या है। अब अगर मान लो मैं इस रिएक्शन को ना डिस्टर्ब कर दूं, डिस्टर्ब कैसे, इन सब का अमाउंट चेंज कर दूं, मतलब इंक्रीज कर दूं या डिक्रीज कर दूं, कुछ भी कर दूं मैं। अब अगर मैं इंक्रीज करूं या डिक्रीज करूं तो उसके बाद कुछ टाइम बाद क्या होगा, दोबारा से इक्विलिब्रियम बन जाएगा। देखो जिस रिएक्शन, क्योंकि रिएक्शन कैसी है, रिवर्सिबल, और रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम बन जाता है। अब क्योंकि पहले बना था, दोबारा भी इक्विलिब्रियम बनेगा, और जब इक्विलिब्रियम बनेगा तो ध्यान देना, फॉर एग्जाम्पल आपने सबके अमाउंट को चेंज कर दिया, तो फिर हो सकता है कि ये हो जाए आपका 10, तो फिर ये कितना हो जाएगा 30, ये कितना हो जाएगा 20। अगर आप इसका भी सेम लोगे आंसर सेम आएगा, क्योंकि जितना आपने ये बढ़ाया उतने वो बढ़ा दिया, आंसर जो केसी रहेगा वो क्या रहेगा, फिक्स। तो किसी एक रिएक्शन के लिए हमेशा आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स रहती है, वो चेंज नहीं होती, चाहे आप उसके रिएक्टेंट का अमाउंट कम कर दो बढ़ा दो, बस केसी की वैल्यू उतनी, क्योंकि जब आप रिएक्टेंट कम करोगे तो प्रोडक्ट भी कम हो जाएंगे, ठीक है। तो इस वजह से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू फॉर ए रिएक्शन ऑलवेज रिमेंस कांस्टेंट, पहली चीज। अब मैं थोड़ा इसमें देखो और आता हूँ डिटेल में। देखो कुछ रिएक्शन मैं आपके यहाँ बताता हूँ, देखो कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो ना कंप्लीटली नहीं कहूँगा, तो मैं कहूँगा कि उसका 90% रिएक्टेंट कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में, और कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं जिसमें ना जो रिएक्टेंट है वो स्मॉल अमाउंट में कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट में। कैसे जरा समझना, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड। तो क्या होता है वीक एसिड और क्या होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, एंड बकरम। देखो भाई आपको चलो आता भी होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड वो है जो लार्ज अमाउंट में एच पॉजिटिव को प्रोड्यूस करे, और वीक एसिड वो है जो लेस अमाउंट में एच पॉजिटिव प्रोड्यूस करे। एग्जाम्पल ऑफ एनी वीक एसिड, हाँ आप लोग यूज भी करते हो चाउमीन वगैरह में, हाँ विनेगर, एसिटिक एसिड, फॉर्मूला क्या है उसका, ये है CH3COOH, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एसिटिक एसिड, सॉरी फॉर्मूला ऑफ एसिटिक एसिड, और ये एक वीक एसिड है। वीक एसिड का मतलब पता क्या होता है, देखो मैं बताता हूँ, फर्स्ट तो ये मैं डायरेक्टली ले रहा हूँ इक्विलिब्रियम कंडीशन में, ये कन्वर्ट होगा CH3COO नेगेटिव में, इसको बोलेंगे हम क्या बोलेंगे भाई, CH3COO नेगेटिव को
एसीटेट आयोन, देखो रखो या आहिस्ता आहिस्ता अपनी वोकैबुलरी को इंक्रीज करो, एसीटेट, एसीटेट देखो कहीं पर भी ना दो कार्बन आए तो वहाँ एसिड वर्ड का होता यूज, देखो एसिटिक एसिड टू कार्बन वाला, तो ये एसिटिक एसिड से बना आपका एसीटेट आयोन प्लस प्रोड्यूस हो जाएगा एच पॉजिटिव आयोन, ठीक है। ये वीक एसिड है और एग्जाम्पल ऑफ एनी स्ट्रॉन्ग एसिड, हाँ HCl ले लो, H2SO4 ले लो, तो हम H2SO4 ले लेते हैं, थोड़ा सा पहले भी किया हुआ है, तो ये आपके पास H2SO4 एंड व्हेन इट विल बी डिसॉल्व्ड इन वाटर इट विल प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ एच पॉजिटिव आयोन, तो पहले बनेगा HSO4 नेगेटिव प्लस एच पॉजिटिव। अब देखो होना क्या है, क्योंकि ये वीक एसिड है, जरा समझना, अगर मान लो शुरुआत में आपने इसके 10 मोल ले लिए एट टाइम T0, तो ये जीरो बना ही नहीं, तो देखो जीरो रहेगा ना, टाइम जीरो है तो ये बना ही नहीं अभी, मीन्स रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई, एंड एट टाइम इक्विलिब्रियम, कि जब इक्विलिब्रियम अचीव हो गया है तो उस समय पता क्या होगा, अगर मान लो अब यहाँ पे मैं थोड़ी यहीं लेता हूँ डायरेक्ट क्लिप की बार, ये जो एसीटेट आयोन है अगर ये रह गया, ये बन गया मतलब 7, नहीं 7 तो गलत हो जाएगा, वैसे 3 ही बोलना पड़ेगा, अगर ये 3 बनेगा तो एच पॉजिटिव कितना बनेगा, 3 बनेगा भाई, एक टूटने पर एक ही बनेगा 3, तो ये कितने रह जाएंगे CH3COOH कितना रह जाएगा, हाँ 7 रहेगा, सही बात है, ये 7 रह जाएगा क्योंकि इसके 3 टूटेंगे ना, 3 ये प्रोड्यूस करेंगे और 3 ही ये पहले बात हो चुकी है हमारी। अब सुनो इस तरीके से, अब मैं इसको भी लूं कि एट टाइम T0 इसके 10 मोल्स थे, इसके 0 होंगे और इसके भी 0 एट टाइम T0, रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई, वो टाइम जब इक्विलिब्रियम आ चुका है उस समय क्या मैं इसको अब यहाँ पर 8 ले सकता हूँ, बताओ भाई क्या इसको मैं 8 ले लूँ, अच्छा अब देखो क्या लगता है कि मैं यहाँ H2SO4 को कितना लिखूँ, अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो, और इक्विलिब्रियम बन चुका है, इक्विलिब्रियम बन चुका है, क्या लगता है आपको कि मैं, और उसको भी वहां से भी रेफर कर लो ऊपर वाले कंडीशन से, वो वीक एसिड है, तो चलो मैं आपको देता हूँ थोड़ा हिंट, अगर मैं यहाँ 8 लिख दूँ, 7 से ऊपर है, मैंने जस्ट एक रेफरेंस ले ली आपको बिल्कुल क्लियर आइडिया देने के लिए, क्या बताओ छोड़ो क्या ये सही है या गलत है, हाँ गलत है, क्यों गलत है, हाँ वेरी गुड, देखो भाई लिसन हेयर, ये कंडीशन गलत रहेगी क्योंकि जब मैं खुद ही कह रहा हूं कि ये एक वीक एसिड है और ये कैसा है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड, तो स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वीक एसिड के कंपैरिजन में तो एक लार्ज अमाउंट में एच पॉजिटिव प्रोड्यूस करेगा, तो यहाँ देखो अगर आपने इसको 8 ले लिया तो कितने पॉजिटिव लोग हैं, यहाँ पर 2 ले सकते हो, बात सही है क्या, वो वाली गलत है, जब ये वीक वाला 3 प्रोड्यूस कर रहा है तो स्ट्रॉन्ग 2 कैसे कर सकता है भाई, बात गलत है, यानी कि इसको हम ऐसा लेंगे उल्टा, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, एटलीस्ट मिनिमम टू मिनिमम 80% तो प्रोड्यूस करेगा एच पॉजिटिव, तो 8 ये बनेंगे, 8 ये बनेंगे और ये कितना रह जाएगा, 2 रह जाएंगे, देखो भाई ठीक है। अब देखो सुनो इससे क्या पता चला आपको, ये रियलिटी है, मैं वैसे नहीं बहुत मजाक में बना रहा हूँ या कहीं वैसे कोई एग्जाम्पल देने के लिए, असली में होता है कि जब आप ना एसिड को वाटर में डिजोल्व करते हो तो शुरुआत में ये एच पॉजिटिव प्रोड्यूस करेगा करेगा करता रहेगा और कुछ टाइम के बाद इक्विलिब्रियम बन जाएगा। अब अगर तो एसिड स्ट्रॉन्ग हुआ तो इक्विलिब्रियम कब बनेगा, लेट बनेगा ना, बाद में बनेगा, क्योंकि ज्यादातर ये क्या है कन्वर्ट हो जाएगा एच पॉजिटिव में, और
अगर एसिड वीक हुआ तो इक्विलिब्रियम जल्दी एस्टेब्लिश हो जाएगा, क्योंकि उसमें कम अमाउंट में CH3COOH टूट रहे हैं, जल्दी इक्विलिब्रियम बन जाएगा। इसका मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड में या स्ट्रॉन्ग बेस में इक्विलिब्रियम कब बनेगा, जल्दी या मतलब कि लेट एज कम्पेयर टू वीक एसिड? हाँ, लेट बनेगा, ठीक है। और अब देखो यहाँ पर आपके पास ये, अब इसकी कंसंट्रेशन, इसकी कंसंट्रेशन डिवाइड करो इससे, ये आपके पास बन गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब जो मुझे पूछना ये है, जो मेरा क्वेश्चन बनने वाला है, आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड में से किस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू हाई आएगी? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके लिए हाई होगा, वीक एसिड के लिए या स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए? सोचो, दो दो कर रखी हैं ये इन्होंने, यहाँ तो 13 है ना, 4, 9, 13, इसको ए कर देते हैं, ये बी है। तो यहाँ कल कितनी क्लास थी, इतनी गर्ल्स कितने क्लास में वैसे आपके, काउंट करनी पड़ेगी आज। अच्छा, बॉयज़ तो 19 आए हुए हैं वहाँ, 16 थी आई थिंक, 6 कौन, और कल अब्सेंट कौन कौन थे, चेतना अब्सेंट थी, 17 हाँ, जिज्ञासा हाँ 19, और वो स्कूल छोड़ गई है, 19 हो गए ना, आई थिंक 19 गर्ल्स ही होंगी, जो 19 में से आज हैं 13, यस व्हाट हैपेंड, क्या करना, सिस्टम था बोलते हैं, ओहो चल रही है वीडियो, क्या चलो चलती रहेगी ये तो, इसमें आगे चलो कोई बात नहीं। नो सी, देखो आपका क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन ये था कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड में से किसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू हाई होगी, हाँ वीक की, स्ट्रॉन्ग, कोई वीक बोल रहा है बोल तो फिर जो बोल रहा है, अदरवाइज मैं सबको स्ट्रॉन्ग मान रहा हूँ, डर रहे हैं, डरना क्या होता है भाई, गलत हो ऐसा ही होगा, कोई बात नहीं। तो देखो आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू हाई ही होगी, क्योंकि देखो कैसे है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, देखो मैं सिंपल ले रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग वीक छोड़ दो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, मैं सिंपल वे में, बिल्कुल सिंपल में, प्रोडक्ट को डिवाइड कैसे करना है, रिएक्टेंट से, ठीक है। तो प्रोडक्ट का अमाउंट हाई का मतलब क्या हो गया, ये क्या है, प्रोडक्ट है ना, इन द प्रोडक्ट क्या पड़ा हुआ आपके पास, H पॉजिटिव, तो जब H पॉजिटिव का अमाउंट हाई होगा तभी तो उसकी वैल्यू हाई होगी, देखो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। तो जैसे जैसे आपके प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ेगा वैसे वैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू भी बढ़ेगी, और यहाँ फॉर द एसिड व्हाट इज योर प्रोडक्ट, H पॉजिटिव, इसीलिए स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू हाई होगी और वीक एसिड के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। समझ आया नहीं आया, कोई डाउट है इसके अंदर? अच्छा ऐसे देखो, ये बताना जरा मुझे कि आपके पास ना अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बहुत 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 कम है कि कोई भी रिएक्शन है और उस रिएक्शन में ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बहुत कम है, तो ये बताओ कि उस रिएक्शन में क्या चीज लार्ज अमाउंट में होगी, किस किसकी कंसंट्रेशन लार्ज अमाउंट में होगी, रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लार्ज अमाउंट में होगी,
अब देखो जरा समझ लेते हैं, आपने भी तो बोल दिया है कि लार्ज अमाउंट में होगी, हो सकता सही भी हो गलत भी हो, दोनों हो सकते हैं। सी हेयर, देखो क्या हो गया, ये मान लो, चलो मैं कहता हूँ ये रिएक्शन हो गई ए प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी, ठीक है। शुरुआत में कंसंट्रेशन ये और ये जीरो, ये जीरो, और अब मैं क्या कह रहा हूँ कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू मैं ये ले रहा हूँ, एसिड के लिए छोड़ उसको भी, आप के ले लिया, के की वैल्यू वेरी वेरी लो है, वेरी लो, इसका मतलब जो प्रोडक्ट है उसकी कंसंट्रेशन क्या है, बहुत कम होगी। तो जब ये बहुत कम है तो रिएक्टेंट कम यूज हुआ होगा, तो बचाओ पढ़ा भी दो, रिएक्टेंट तो बचा हुआ होगा भाई। देखो जब K की वैल्यू बहुत कम है तो प्रोडक्ट का अमाउंट कम होगा ना, और ये अगर कम है इसका मतलब रिएक्टेंट यूज नहीं हुआ है, बस समझ आ गया ये, या कभी गड़बड़ा कुछ ना कुछ। तो देखो भाई अगर आपके पास कांस्टेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बहुत कम आ रही है, वेरी लेस, तो उस कंडीशन में क्या है, इसका मतलब जो है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बहुत कम है। तो जब ये कम है तो बचा पड़ा है वो सारा, जैसे स्ट्रोंग में क्या था, स्ट्रोंग एसिड में क्या था, वीक में कहूँगा, वीक में ये केवल टू बना, ये टू बना तो एट बचा हुआ है ना, तो वहाँ, और वीक एसिड के लिए जो आपके पास था कॉन्स्टेंट वो क्या था, कम रहेगा, तो कंसंट्रेशन किसकी हाई हो जाएगी, रिएक्टेंट की, ठीक है। तो देखो भाई वीक मतलब कि ऐसी रिएक्शंस जिनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू काफ़ी कम आ जाए, उस टाइप के रिएक्शंस में आपका जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है बहुत हाई होगी और जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी, वो लो होगी। चलो दूसरा मैं एक पूछता हूँ, लास्ट है ये बस। आपके पास कोई प्रोडक्ट है मतलब कोई रिएक्शन है और उसमें के की वैल्यू बहुत हाई है, वेरी वेरी हाई, तो उस कंडीशन में जो प्रोडक्ट है उसकी कंसंट्रेशन क्या रहेगी, हाँ वेरी हाई, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हाँ लो रहेगी, क्योंकि मैक्सिमम रिएक्टेंट क्या है कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, प्रोडक्ट में, ठीक है ना। और अब जो सुन लो बस लास्ट चीज, जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन उसमें दी हुई है और वो हो सकता है कि आपके किसी कंपटीशन टाइप के क्वेश्चन में भी आ जाए, ये इसमें एक अंडरस्टैंडिंग है। देखो वो क्या, अगर आपके के की वैल्यू 10^-3 से बहुत कम हो, से कम हो और 10^3 से ज़्यादा हो, मतलब बहुत, ये तो बहुत ही कम हो गया और ये बहुत ही ज्यादा हो गया, अब इसके, अब इसके बीच में हो, अगर इसके बीच में हो तो आपका जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की कंसंट्रेशन एक ठीक ठाक अमाउंट में होगी। मतलब देखो क्या है ना, ये बीच कंडीशन आ गई कि इसमें कुछ पड़ा हुआ है रिएक्टेंट भी और कुछ पड़ा हुआ है, मतलब कि देखो मान लो आपने 10^3 से थोड़ी कम ले ली, मान लो चलो मैं कहता हूँ चलो 3 मान लो, चलो कोई बात नहीं 3 लास्ट रेंज है, बिल्कुल लास्ट रेंज है ये, तो इस रेंज में क्या होगा, क्योंकि केक ज़्यादा है तो चलो यहाँ पर मान लो ये 2 रह गया, ये 2 रह गया, ये 8 है, ये 8 है, बट स्टिल कुछ तो अमाउंट है ना यहाँ, दोनों ऐसा नहीं कि बिल्कुल 0.00001 में प्रेजेंट है, नहीं एक अमाउंट है। ऐसे ही अगर 10^3 हुआ, काफ़ी कम है, तो चलो उसमें यहाँ 2 आ गई, यहाँ 2 आ गई, तो यहाँ कितनी होगी 8, अमाउंट ठीक ठाक सा है, इतना नहीं कहेंगे कि नेग्लिजिबल है। इसका मतलब 10^-3 से लेकर के 10^3 तक लेकर के जो कंसंट्रेशन है उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का अमाउंट ठीक ठाक है, ये जरूर है कि एक बहुत हाई है एक बहुत लेस है, लेकिन फिर भी उनको हम मेजर कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि के की वैल्यू 10^5 आ रही है, इसका मतलब क्या कहोगे आप, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कहेंगे कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन नेग्लिजिबल हो चुकी है, मैक्सिमम ऑफ द रिएक्टेंट हैज बीन चेंज इनटू प्रोडक्ट, ठीक है। तो अगर 10^5 आ गई, इट मींस मैक्सिमम ऑफ योर प्रोडक्ट रिएक्टेंट हैज बीन यूज, देर इज वेरी वेरी नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट प्रेजेंट, एंड इफ के वैल्यू इज 10^-7, व्हाट इट मींस,
प्रोडक्ट इज प्रेजेंट इन, हाँ प्रोडक्ट जो है वो नेग्लिजिबल अमाउंट में प्रेजेंट है, ऑलमोस्ट ना के बराबर प्रोडक्ट होगा इसमें, ठीक है। तो बस ये थी हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और उसकी डिफरेंट कंडीशंस रिगार्डिंग द वैल्यूज, ठीक। तो चलो ये हमारा आज का टॉपिक यहीं तक रहेगा। कल हम क्या करेंगे कि ना इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को फर्दर लिंक करेंगे कुछ और टर्म्स के साथ में भी। चलो ओके, ठीक।